दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। और अभी फाइनली मैं आ चुका हूं एक ऐसी जगह पर जो काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, और आज एक और बहुत अच्छा दिन शुरू होने वाला है। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे मेरठ अपनी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, वैसे आज एक और दिन बन जाएगा जो हिस्ट्री में काउंट किया जाएगा। तो आज 31 अगस्त है, और यहाँ से मेरठ से लखनऊ के लिए जो वंदे भारत है वो चल रही है। अभी करंटली मैं हूँ मेरठ सिटी जंक्शन पर, पीछे आप मेरे देख ही सकते हो भाई, एकदम बोर्ड मेरठ सिटी जंक्शन का लगा हुआ है। और अभी हमारे जो कैमरामैन है वो मोहित भाई हैं जो शूट कर रहे हैं। और फाइनली हमें जो पास है वो मिल चुका है, तो इंडियन रेलवेज ने फाइनली हमको जो पास है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो उसके लिए हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो दी है कि हम वंदे भारत को एक्सपीरियंस कर सकें। तो आज की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। फिलहाल आज इसका इनॉग्रेशन है, यानी कि आज कमर्शियल रन नहीं है, कल से कमर्शियल रन शुरू होगा। तो जो कैसे कैसे रहेगा वो सब डिटेल्स आपको आगे मिलेंगी। तो चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं और पूरी ट्रेन को दिखाते हैं, एक ओवरव्यू देते हैं। तो ये खड़ी है अपनी नई नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा ही बढ़िया लग रही है हमेशा की तरह। सो गाइस, अपनी जो वंदे भारत है आप देख सकते हैं लगी हुई है, कितनी ज्यादा शानदार लग रही है। और आज अपना जो कोच होने वाला है वो C4 होने वाला है, जो कि ये वाला है, और इसमें हम अपने ट्रेन में जो है वो बोर्ड होंगे। दोस्तों बात करें, आज अपनी जो ट्रेन है वो होने वाली है 02489, जो कि है मेरठ सिटी से चलकर लखनऊ तक जाने वाली वंदे भारत इनॉग्रेशन स्पेशल। तो आज इसका स्पेशल रहने, और इसलिए ये ट्रेन चलने वाली है यहाँ से दोपहर के 12:30 बजे, और हम अराउंड 7:40 पर पहुंच जाएंगे। तो कैसा भी सफर रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले एक मेन बात ये रहने वाली है कि जब आप इस ट्रेन में कमर्शियली रन करेंगे, तब इसका जो टाइम टेबल है वो अलग रहने वाला है, और जो ट्रेन नंबर है वो भी अलग रहने वाला है। तो वो जो सारी जानकारी है आपको पूरी मिल जाएगी जैसे जैसे जल्दी आगे चलेगी। तो फिलहाल अभी हम अपनी सीट पर चलते हैं, मैं आपको अपनी सीट दिखाता हूँ, और आगे जो जल्दी है तो यादगार सफर है। तो 12:19 हो चुके हैं और 12:30 का टाइम है, तो बिल्कुल एकदम ऑन टाइम से भी ज्यादा पहले हमारी जो गेट है वो बंद हो चुके हैं। तो हमने अपना जो शूट था वो कर लिया, ये अच्छी बात है। तो चलते हैं सीट, अपनी सीट को दिखाता हूँ मैं कहाँ पर अपनी सीट होने वाली है आज। तो ये अपना C4 कोच है, जिसमें आज मैं बैठा हूँ इधर, ये अपनी विंडो साइड पर, यानी कि सीट नंबर 24। और वही अपना जो नॉर्मल लिवरी है ब्लू वाली, वही वाली है, और एग्जीक्यूटिव की मे भी हो सकता है रेड वाली हो या फिर ब्लू वाली भी हो सकती है। वंदे भारत में आप जानते हो यार, जो लेग स्पेस है वो बहुत सही मिलता है। अगर आप ज़्यादा ही हैवी हो तो आपको डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव कंसीडर करनी चाहिए, अदरवाइज आप नॉर्मल चेयर कार पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जो सारी एमिनिटीज़ हैं वो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, बस एक चेंज है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज़ है जो इसमें चेंज देखने को मिलती है, वो है रेक्लाइनर के लिए बटन, क्योंकि जो लास्ट वंदे भारत की थी तो उसमें जो रेक्लाइन अगर आपको करनी है थोड़ी सी, तो उसमें थोड़ा चेंज है, और इस बार चेंज है तो वो दिखा देता हूँ। तो जैसे आप अपनी सीट पर आओगे नॉर्मल जैसे बैठोगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर आपको अपना जो बैक है उसको थोड़ा सा रेक्लाइन करना है तो किस तरीके से करोगे वो दिखाता हूँ। तो अभी तक जो पुश बटन होता था वो आपको पता है इधर का ही होता था, बट अब जो है वो हैंडल में ही पुश बटन दे दिया है। तो जाओ इधर पुश करोगे इसको, और तब अपनी जो बैक है वो इसे पीछे कर सकते हो। तो करके दिखाना, तो कुछ इस तरीके से ये रेकलाइन हो चुकी है और ये ऐसे काम कर पाएगी। तो आप दोस्त देख सकते हैं RM सर अभी जो स्पीच है वो दे रहे हैं, और अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आ चुके हैं। तो बस थोड़ी ही देर में जो फ्लैग ऑफ है वो होने वाला है, और अपनी जो वंदे भारत है वो चलने वाली है। भारतीय रेलवे। सो फाइनली अपनी जो ट्रेन का डिपार्चर है वो हो चुका है। तो फाइनली 1:01 पर अपनी जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन से। कौन सी वाली है? अरे उसमें भेज देना महिला को।
तो बस दोस्तों मेरठ नगर जंक्शन को बाय बाय करते हुए और टाइम में आपको दिखा देता हूँ जो होने वाला है 1:01 पर। तो हमें कुछ इस तरीके का एक बुकलेट या फिर बोल सकते हैं पैम्पलेट टाइप मिला है जिसमें लिखा गया है कि आज कौन कौन सी वंदे भारत इनॉग्रेट हुई हैं। तो आप देख सकते हैं मेरठ लखनऊ जिसमें हम आज ट्रैवल कर रहे हैं, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल। तो ये तीन वंदे भारत आज इनॉग्रेट हुई हैं 31 अगस्त 2024 को। और बाकी इसमें बताया गया है कि किस तरीके से वंदे भारत अलग है बाकी सभी ट्रेनों में। ये देखिएगा दोस्तों वंदे भारत का क्रेज। ये देखेगा दोस्तों जलवा वंदे भारत का भाई साहब क्रेज सब लोगों का। और आप जो सामने वाला सेक्शन देख रहे हो ना दोस्तों वो निकल जाता है गाजियाबाद यहाँ से और हम मुड़ चुके हैं हापुड़ वाली लाइन पर। तो अगर आपको जो सामने ट्रैक दिख रहे हैं ना ये जाते हैं अपने गाजियाबाद होते हुए आनंद विहार की तरफ यानी कि दिल्ली। और अभी हम जिन ट्रैक पर बढ़ चुके हैं वो हापुड़ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग इस जो पल को है कैप्चर करना चाह रहे हैं और अपने जो फोन है उनको लेकर खड़े हैं लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन के मैक्सिमम पर चलते हुए जो कि अपना है 100 किलोमीटर नहीं वही 108। तो भाई साहब यहाँ 110 चल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन 110 ऑपरेट कर रही है हापुड़ और मेरठ के बीच में भी, क्योंकि हम आए थे राज्य रानी से तो वो ऑपरेट नहीं कर रही थी। और आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टॉप अपना मुरादाबाद होने वाला है, देन बरेली और फिर हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम 7:40 पर लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है अभी तक का जो एक्सपीरियंस, वो तो काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि एक्सेलरेशन देख के अच्छा लगा कि 110 ट्रेन यहाँ ऑपरेट कर रही है। तो फाइनली प्रीमियम ट्रेन के अकॉर्डिंग हमें जो रेल नहीं रहे वो दे दी गई है। तो आज फर्स्ट डे पर कुछ इस तरीके से जो सर्विंग है वो की जा रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है और यूनिक है। तो जो लंच है वो सर्व कर दिया गया है, ठीक है। आप है क्या क्या सब कुछ पहले ओपन कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली अभी हम जंक्शन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं हापुड़ जंक्शन के और सामने आप जो ट्रैक देख रहे हैं ये हमारे मुरादाबाद गाजियाबाद वाला मेन सेक्शन है जो आने वाले टाइम में 130 कैपेबल होगा क्योंकि इस पर जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है जिसके चलते बहुत ही जल्द आपको 130 देखने को मिलेगा। आई थिंक मार्च 25 तक आपको 130 की स्पीड पर मुरादाबाद गाजियाबाद पर ट्रेन देखने को मिलेंगी। तो इधर ये जो सामने वाले ट्रैक हैं ये आ रहे हैं अपने गाजियाबाद से जो कि जाएंगे मुरादाबाद और अभी हम इन ट्रैक पर ही मर्ज हो जाएंगे और आगे जाएंगे मुरादाबाद तक। तो फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच रही है हापुड़ जंक्शन। तो हमें लिया तो प्लेटफॉर्म वाली लाइन पर है यानी कि ट्रेन रुकेगी यहाँ पर, लेकिन जब ये कमर्शियली चलेगी तब इसका स्टॉप यहाँ पर नहीं रहने वाला है। चूंकि हापुड़ का रीडेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ से हापुड़ का बोर्ड ही गायब है बट दूर से दिख जाएगा हमें दूसरा वाले प्लेटफॉर्म पर है बोर्ड। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन हापुड़ जंक्शन पर पहुंच चुकी है और जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 1:26। तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो फाइनली अभी आ चुका है टाइम अपना लंच करने का। ट्रेन अभी हापुड़ पर खड़ी है, आप देख सकते हो बाहर हापुड़ पर ट्रेन खड़ी है और खड़ी होने का रीजन ये है क्योंकि भाई आज मीडिया पर्सन जो चढ़े थे वो उतर रहे हैं यहाँ तक और बाकी जो हम लोग हैं वो पूरी जर्नी करेंगे। आपको पता है पूरा एक्सपीरियंस आपको देना है ट्रेन का। और ट्रेन को आने में ट्रेन 1:01 पर निकली थी, मैंने आपको दिखाया था मेरठ सिटी जंक्शन से और ट्रेन यहाँ पर आ गई 25 मिनट में। तो 1:26 पर ट्रेन यहाँ पर आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यानी कि नॉन स्टॉप चली तो इजीली ट्रेन 20 मिनट में कवर कर लेगी क्योंकि मेरठ से निकलने के बाद फिर हापुड़ में आ चुकी स्टॉप है, थोड़ा स्लो डाउन रही स्पीड तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ट्रेन यहाँ पर 20 मिनट में कवर कर सकती है, तभी जो ट्रेन है वो 2 घंटे में मुरादाबाद पहुँच पाएगी। तो अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अपने लंच की, इसमें भाई चपाती है अपनी नॉर्मल, ठीक है। बाकी इस बार बीकानेर वालों का जो लंच है वो दिया गया है, इसको और ओपन करते हैं इधर से, ठीक है।
तो अच्छी बात है कि तुमको पूरा वेज सर्व किया गया है, तो यहाँ पर वेज की जो मार्किंग है वो भी की गई है, तो आपको कोई भी जो परेशानी वो नहीं आने वाली है। तो बात करते हैं भाई, देखो यहाँ पर आपको राइस है, ठीक है, और एक आलू की सूखी सब्जी है और पनीर है। इसके अलावा यहाँ है हमारी दाल मखनी, प्लस दिए गए हैं रसगुल्ला, आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। तो ये अपने आज की मील रहने वाली है, जिसमें हमें मिला है पनीर है, रसगुल्ले हैं चार, इसके अलावा ये दाल मखनी, चावल, आलू, सूखे आलू, प्लस यहाँ है हमारा मिक्स पिकल, और इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये हमारी चपाती। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो रोटी का टेस्ट तो आपको पता ही, चपाती का कैसा रहता है। पहले दाल मखनी को टेस्ट करते हैं, तो जब दाल मखनी को, ठीक है दाल मखनी का टेस्ट। अब बात करते हैं हम पनीर की सब्जी की, पनीर की सब्जी किस तरीके की बनी है, टेस्ट करते हैं। पनीर की सब्जी ठीक है, मतलब ज्यादा बढ़िया नहीं लगी, अभी मीठा मीठा सा जो टेस्ट है वो आ रहा है। अब आलू की सब्जी को देखते हैं, ठीक है, आलू की सब्जी काफी अच्छी लग रही है, तो जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो हापुड़ से डिपार्चर अपना हो रहा है फाइनली, और हापुड़ से अब हम निकल रहे हैं 1:38 पर, ठीक है, और आए थे हम यहाँ पर 1:26 पर, तो काफी देर हम रुके। अब देखते हैं 1:38 से मुरादाबाद कितने बजे पहुंचते हैं, ये जो सेक्शन है क्या हम 1 घंटे में कवर कर पाएंगे, ये है देखने वाली बात। या तो आज रिकॉर्ड बनेगा या फिर हम काफी लेट पहुंचेंगे, पर वंदे भारत में तो उम्मीद है रिकॉर्ड ही बनेगा। तो अब टाइम है जो अपने रसगुल्ले हैं उनको टेस्ट करने का, करते हैं भाई कैसे हैं ये बने हुए। हमने लिया एक, ये बढ़िया भाई, इसका जो टेस्ट है रियल में बहुत बढ़िया लगा, और ऐसा है कि पूरे खाने का जो मजा आया ना वो आ गया इसको खाने के बाद में। सो फाइनली दोस्तों टाइम आ चुका है 30 की स्पीड से गंगा रिवर को क्रॉस करने का, और आप देख सकते हैं गंगे भैया हर गंगे हर गंगे, और आप देख सकते हैं इस समय काफी ज्यादा जो पानी है वो हमें देखने को मिल रहा है रिवर में। तो यहाँ पर डबल ब्रिज है, जिसमें हमारी वाला जो ट्रैक है उस पर 30 का MPS है, और लेकिन इस पर 100 का MPS है बराबर वाले ट्रैक पर। जब बराबर वाले ट्रैक से निकलती है ट्रेन तो बिल्कुल एकदम ताबड़ तोड़ 100। फाइनली अपनी जो ट्रेन है ना वो बिल्कुल बढ़िया ही ऑपरेट हो रही है, और मैं आपको बाहर का और दिखा देता हूँ। तो 112, 110 इस तरीके से ऑपरेट हो रही है, मतलब 110 आराम से चल रही है, और जो ट्रेन का GPS स्पीडोमीटर है वहाँ पर ही 109 आ रही है, और हमारे पास भी 109 और 110 ऐसे 110 आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो अपना सेक्शन है कम से कम 110 तो कैपेबल है, जिसके चलते काफ़ी जो समय है वो बच जाता है। बराबर से राजधानी की क्रॉसिंग नहीं है, आप बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया जो लंच है वो मैंने कर लिया है, और लंच हो चुका है। लंच होने के बाद में, अब तो ये तो मेरा लंच था, उसके बाद में अब आपको मैं दिखाता हूँ मोहित भाई का रिव्यू, मतलब मोहित भाई से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा लंच। मैंने आपको दिखाई दिया कैसा लगा था, कैसा था सब कुछ। इसके अलावा जो बाकी को पैसेंजर है उनको भी देखते हैं, उनको जो लंच का टेस्ट है वो कैसा लगा, तो चलते हैं मोहित भाई के पास और उनसे रिव्यू लेते हैं उनका कैसा लगा उनको लंच। तो इधर हमारे मोहित भाई बैठे हैं, अब हम पूछते हैं मोहित भाई से। मोहित भाई आप बताइए कैसा लगा आपको लंच जो आपने अभी किया है वो कैसा लगा?
देखो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो क्वांटिटी तो काफ़ी थी, अगर नॉर्मल इंसान जो खाना खाता है वो खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा आराम से, और जो कम खाता है वो बचा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों का बचा भी होगा। अगर मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट बात करूँ तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था, सब्जी सारी सब्जियों का टेस्ट अच्छा था, बस एक थोड़ा पनीर जो है थोड़ा हल्का सा ज़्यादा मीठा लग रहा था। मतलब मिठास होती है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत शाही पनीर में मिठास होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था। बाकी इसके अलावा तो सब कुछ ठीक था, चावल भी काफ़ी अच्छे थे, और अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो 8 out of 10 मैं इसको पूरी रेटिंग देना चाहूँगा। तो ये था हमारे मोहित भाई का रिव्यू। आप चलते हैं रिव्यू, यहाँ से पूछते हैं उनको कैसा लगा लंच का टेस्ट। लंच के बारे में सिर्फ मैं इतनी कह सकता हूँ कि लंच काफ़ी बढ़िया था, और मैं उसको 10 में से करीब 8 नंबर दे सकता हूँ। खाने लायक था, हेल्दी था और टेस्टी था, लेकिन जो रसगुल्ले थे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। लंच बहुत टेस्टी था, मतलब सब कुछ खाने में एकदम बढ़िया। नहीं ज़्यादा थी, मतलब नॉर्मल थी, मतलब मेरे हिसाब से, बाकी और किसी का कुछ कह नहीं सकते। मेरे लिए भर जाता आराम से। टेस्ट ओवरऑल बढ़िया था, बस पनीर थोड़ा सा मीठा मीठा था, हाँ बाकी ओवरऑल बढ़िया था। हाँ फिलहाल जो भी था पनीर देखो नॉर्मल है, अगर शाही पनीर खाते हैं आप तो थोड़ा बहुत तो मीठापन होता है, तो उस हिसाब से वैसे पनीर में नॉर्मल था, मीठापन तो था ही, पर शाही पनीर मीठा ही होता है। और बाकी खाने में ऐसी कोई बुराई नहीं है, खाना सब कुछ बढ़िया था, खाने में हर चीज़ में टेस्ट था। उड़द राजमा था वो भी टेस्टी था, और आपका चावल अचार भी दिया था, उन्होंने सारी फैसिलिटी थी। बस एक हैंड सैनिटाइजर नहीं दिया इन्होंने, हमने पहले वंदे भारत खरीदी थी उसमें हैंड सैनिटाइजर का पैकेट दिया था सैनिटाइज करने के लिए, पर इस बार नहीं मिला, तो बस यही कहना चाहेंगे। तो अभी मैं हूँ वंदे भारत में और मेरे साथ आयुष भाई भी हैं, तो हम आयुष भाई से पूछते हैं कि उनको जो लंच का टेस्ट है वो कैसा लगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ जो जर्नी है वो कर रहे हैं। तो चलते हैं और आयुष भाई का जो अपना रिव्यू है वो लेते हैं। फूड का रिव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो 7 से 8 रेटिंग दूंगा, मतलब टेस्ट वाइज तो ठीक था, लेकिन बस ये थोड़ा ठंडा हो गया था तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब ठीक नहीं लगा। ये है चाहते तो वो जो वंदे भारत में फैसिलिटी मिलती है खाने को गर्म करके देने की, तो उसका यूज़ किया जा सकता था, बट नहीं किया। हाँ ये बात है, उन्होंने ये नहीं यूज़ नहीं करा, वरना जो खाना था वो बिल्कुल बढ़िया लगता। तो इसलिए जो ओवरऑल हम कहेंगे तो आयुष भाई का जो मानना है वो ये है कि आराम से 7 नंबर मिल सकते हैं 10 में से। हाँ और चलते हैं हम आयुष भाई की तरफ, आयुष भाई से पूछेंगे हम कि उनको कैसा टेस्ट लगा इस वंदे भारत के फूड का, क्योंकि वो भी हमारे साथ जो ट्रैवल है वो कर रहे हैं। हाँ तो खाने का ओवरऑल टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, बस पनीर को छोड़ के, क्योंकि पनीर बालों को पसंद नहीं आता है, लेकिन दाल बहुत अच्छी थी, दाल को तो 10 में से 20 रेटिंग दे सकते हैं बिल्कुल, बहुत हाँ बिल्कुल अच्छा खाना था, सबको बहुत पसंद आया खाना। तो खाने को अगर 10 में रेटिंग देना चाहें तो 10 में से 9 दे सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि खाना ठंडा था तो उसके 1 पॉइंट तो कटेगा ही। अब दोस्तों देख सकते हैं सामने खड़ी अकाल तख्त एक्सप्रेस, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है, इसको खड़ा कर दिया गया है। ये सहारनपुर वाली ट्रैक से आई है और हम आए हैं दिल्ली वाली ट्रैक से, और सामने खड़ी एक अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन मानी जाती है, सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, और ये खड़ी है बिल्कुल वंदे भारत के सामने। इसकी प्रायोरिटी आप देख सकते हैं कैसी है, सामने खड़ी है हमारे, और इसमें ये अच्छा थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको गलत बता दिया, ये अकाल तख्त नहीं है, ये है अपनी गुरुमुखी, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रेनें बिल्कुल सेम ही लगती हैं इनकी जो बोर्डिंग है। तो ये अपनी गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि नंगल डैम से कोलकाता के बीच में ऑपरेट होती है, और ये भी एक सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन है जो कि खड़ी है यहाँ पर सिग्नल का वेट कर रही है, और अभी काफ़ी देर तक करेगी, क्योंकि अभी मुरादाबाद पर जो एंट्री है वो हो रही है वंदे भारत एक्सप्रेस की। सही बात है, तो फाइनली अपना जो अराइवल है वो हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन पर, और मुरादाबाद का कंटेनर डिपो आप देख सकते हो लेफ्ट में, और 2:45 पर ट्रेन आई है, और मतलब ये 7 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं, 1 घंटा 7 मिनट में हम यहाँ आ गए हापुड़ से, आप ये देखिएगा। तो क्या टॉप क्लास प्रायोरिटी मिली है और क्या स्पीड मेंटेन की है, आप देख ही सकते हो कि हापुड़ से लेकर मुरादाबाद तक आने में 1 घंटा 7 मिनट लगाया है, और अभी 2 मिनट और लग जाएंगे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में, तो हम मान सकते हैं कि 1 घंटा 10 मिनट में ट्रेन ने मुरादाबाद से हापुड़ की जो दूरी है वो तय करी है, जो कि रियल में काबिले तारीफ है। इसी के साथ दोस्तों हमें ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन
टाइम 1:48 2:48 1 घंटा 10 मिनट फाइनली भाई अपने होम टाउन पर सेकेंड टाइम वंदे भारत से आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। बढ़िया क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अपने मुरादाबाद की सेकेंड वंदे भारत है और सेकेंड टाइम अपने इस ऑरेंज वंदे भारत के साथ आई, क्योंकि फर्स्ट वाली भी ऑरेंज थी और सेकेंड वाली भी ऑरेंज है। बात करें मुरादाबाद के बारे में, जब ये चलेगी अपने शेड्यूल के हिसाब से तो ये 8:35 पर आया करेगी और इसका जो ट्रेन नंबर रहेगा वो 24490 रहेगा। जब ये मेरठ से ऑपरेट होगी लखनऊ के बीच में, मेरठ से चले करेगी सुबह 6:35 पर, 2 घंटे का सफर कर आ जाएगी 8:35 पर मुरादाबाद और 5 मिनट का स्टॉप लेके यहाँ से निकल जाएगी। तो ये इसका जो शेड्यूल है वो रहा करेगा जब ये चलेगी, और चलेगी कब से, कल से। तो 1 सितंबर से ये बिल्कुल अपने असली रन पर चलने वाली, यानी कि कमर्शियल रूट से चलने वाली है। बाकी मुरादाबाद यार आप जानते हो, इतनी बार दिखाए आपको, सब कुछ आपको पता होगा। अगर आप मेरी वीडियो देखकर मुरादाबाद पर आ रहे हो तो भाई जाती हुई बात है कि आपको ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होगी तो पता ना हो। फिर भी थोड़ी बातें बता देता हूँ, वो यही है कि भाई मुरादाबाद अपने हमें मंडल है और मंडल है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है तो स्किप कर दियो और मुरादाबाद को जाना जाता है इसकी टिकट नहीं होती। सेकेंड वंदे भारत है तो थोड़ा सा कम क्रेज हम कह सकते हैं, लेकिन आगे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि हाँ भाई क्रेज होगा। तो बस अपने भाई ट्रेन के अंदर चलते हैं, क्योंकि आज तो इसका शेड्यूल पूरा कुछ नहीं पता किस तरीके से चल रहा है, तो शेड्यूल नहीं पता कैसा है, तो भाई कोई फायदा नहीं है ज्यादा रिस्क लेने से। तो फाइनली लगभग 4 से 5 मिनट रुकने के बाद में ट्रेन निकल चुकी है मुरादाबाद जंक्शन से। हमारी गाड़ी मुरादाबाद जंक्शन से निकल चुकी है। मुरादाबाद जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है हमारा। हमें देखो उधर का देखो मेरठ वाले यहाँ पे कितने लगभग 8 मिनट के स्टॉप के मेरठ वाले यहाँ पर भी काफी अच्छी सजावट हुई हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं नेता वगैरह सब आए हुए हैं और काफी भीड़ थी। मुरादाबाद का मेयर खड़ा था, अलग ही है मुरादाबाद की दूसरी वंदे भारत है। इससे पहले देहरादून और लखनऊ वंदे भारत ऑलरेडी चल चुकी है, जो हमने कवर भी की थी। अब लखनऊ जाएंगे भाई साहब, जा रहे भाई साहब सांसद जी। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 6 को भी हम क्रॉस करने वाले हैं। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव में, वही 2x2 का अरेंजमेंट है और ब्लू लिवरी वाला ही है, यहाँ पर रेड लिवरी नहीं दी गई है। चलते हैं थोड़ा लास्ट तक, और अभी हम कटघर को स्किप कर रहे हैं। ये कटघर का स्टेशन आ चुका है, ट्रेन की रफ्तार क्या है अभी डिस्प्ले पे शो नहीं हो रही है, तो 87 की स्पीड है कटघर पर, यानी कि इस समय हम 90 प्लस हैं, रामगंगा को क्रॉस कर रहे हैं। स्पीड 87 की ही स्पीड अभी भी आ रही है और रामगंगा को क्रॉस कर रहे हैं। बस यही कि मैं आपको ट्रैक साउंड नहीं सुना पा रहा हूँ, वरना 87 पे जो ट्रैक साउंड आता वो बहुत ही लाजवाब होता। 98, तो अभी 98 आ रही है स्पीड, आप देख सकते हो। तो 98 मतलब वही है जैसे पिछली बार 100 पर क्रॉस किया था, सेम वैसा ही इस बार क्रॉस किया है। और ये कर्व भाई, ये कर्व रियल में बहुत शानदार लगता है। तो इधर आप जो ये लेफ्ट वाले ट्रैक देख रहे हैं, ये निकल गए हैं हमारे काशीपुर के लिए, और ये 100 पर देख सकते हैं, 100 पर कर्व कर रही है ट्रेन। इलेक्शन
रामपुर का रीडेवलपमेंट होता हुआ और यहाँ हमने ओवरटेक कर दिया है किसे अभी बताते हैं। ओके तो ये कोई स्पेशल थी समर स्पेशल या फिर पता नहीं बट हमने उसको ओवरटेक कर दिया है। तो आप जो ये लेफ्ट वाला ट्रैक देख रहे हैं ये निकल जाता है रामपुर से काठगोदाम के लिए और इसलिए रामपुर जंक्शन है। तो सामने जो देख रहे हो ट्रैक ये है हमारे बरेली सिटी के। थोड़ी देर में हम पहुंच रहे हैं बरेली जंक्शन। बिल्कुल और नीचे आप देख सकते हो एनईआर के ट्रैक को हमने क्रॉस किया है। जो है भैया इसका हाथ वाला खेला भैया का। फाइनली हम अपने जो सेकंड स्टॉप है उसे पहुंच चुके हैं जो कि बरेली जंक्शन है। ट्रेन जब 2490 ट्रेन नंबर के साथ चलेगी तो यहां पर पहुंच जाएगी सुबह के 9:56 पर और 9:58 पर सिर्फ 2 मिनट के स्टॉप के बाद में निकल जाएगी। और ये जो ट्रेन है ना ये बरेली के दूसरे वंदे भारत में बात करें बरेली के बारे में तो ये आता है मुरादाबाद टिकट है। इस ट्रेन को चार प्लेटफॉर्म यहाँ देखने को मिल जाते हैं। 199 ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पर भाई आपको 12 ट्रेनें ऑर्जिनेट और 14 टर्मिनेट होते ही दिख जाएंगे। जल्दी चलते हैं अंदर क्योंकि भाई आज किरायेपुर आने तो कुछ नहीं पता क्या टाइम चल रहा है कैसा चल रहा है जो बस यही है। अब देखते हैं आगे क्या सर्विसेज यहाँ से मिलती है। चलते हैं ट्रेन के अंदर। देखो ये गेट नहीं यहाँ पे भी दस स्वागत देखो। तो फाइनली अब अपना जो डिपार्चर है बरेली से हो चुका है अब है नॉन स्टॉप रन। तो देखते हैं कितने स्किप हमें मिल सकते हैं अच्छे अच्छे उन स्किपों को हम कवर करेंगे। तो भैया ने हमें ये सर्व कर दिया है अब इसको टेस्ट करके बताएंगे। तो बरेली से निकलने के बाद में हमें इस तरीके से एक किस्म कहते हैं ना वेलकम किट दी गई है जिसमें देखते हैं हमें क्या क्या सर्व किया गया है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये है अपना ISETC का टिश्यू ठीक है। इसमें मिलते हैं हमें ड्राई नट्स अब बेसिकली ये है हमारे बादाम और बादाम का मतलब ये है हमारे रोस्टेड वाले आई थिंक ठीक है। इसके अलावा ये हमें चिक्की है वही जो आपने अगर बचपन में खाया होगा जो गुड़ की और आती है गुड़ और मूँगफली के दानों की ठीक है। इसके अलावा हमें मिलता है हैंड सैनिटाइजर काफ़ी बढ़िया है जो कि होना चाहिए भाई और एक मैंगो ड्रिंक है सॉरी इस बार एप्पल ड्रिंक है ना कि मैंगो। और इसके अलावा हमें मिलता है ये ब्रिटानिया का ट्रीट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और मिलती है एक कचौड़ी ठीक है। बस बिल्कुल ठंडी है फिलहाल क्या कर सकते हैं ठंडी हो चुकी है। और ये है हमारा केचप तो कचौड़ी है खाने वाला बाकी तो सब पैक्ड आइटम है तो उनको तो भाई नहीं खाएंगे हम क्योंकि उसमें क्या ही टेस्ट बताऊंगा आपको। तो जो खाने वाली चीज़ है उसको खाकर उसका टेस्ट आपको बताता हूँ। तो अब टाइम है इसको टेस्ट करने का कि कैसा है ये मतलब ये जो कचौड़ी है वो किस तरीके की है ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करते हैं भाई कैसी लग रही है ये। रखा मेरे पास
तो बिल्कुल स्पीड है जैसे अभी तक मैंने एक्सपीरियंस की है, बिल्कुल सेम वैसी है। बस ये कि इस बार ठंडी है, अगर गर्म करके दे देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बट क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ हम ओवरटेक कर रहे हैं, अरे भाई ये थी अपनी काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस, इसको ओवरटेक मारा और किया कहाँ पर ही हमें पता नहीं। हाँ सही है, दोनों का रिव्यू हो जाएगा बिल्कुल। ओके थैंक यू। तो इधर हमने इस बार मैंने ट्राई किया है कॉफ़ी को, और मोहित भाई ने लिए अपनी मस्त बहुत बढ़िया चाय मसाला है, बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल मैंने ये बहुत बार ट्राई की हुई है, और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया था जब मैंने संपर्क क्रांति ली थी। और ये अब आएगा थोड़ी देर में हॉट वाटर, और आज अपनी जो कॉफ़ी है वो रेडी करेंगे। तो अभी जो कॉफ़ी रेडी करने का टाइम आ चुका है, तो कॉफ़ी का टेस्ट तो भाई रियल में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बेकार लग रहा हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉफ़ी मतलब जो कि इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली है वो भी इतनी अच्छी बन सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। सो हम सामने जो ट्रैक देख रहे हैं ये है पीलीभीत वाले जो कि शाहजहाँपुर को जंक्शन बना देते हैं, और अब टाइम है शाहजहाँपुर को स्किप करने का, तो प्लेटफॉर्म लाइन स्किप दिखाता हूँ। और अभी हम करेंगे प्लेटफॉर्म लाइन स्किप शाहजहाँपुर को। मुरादाबाद ये पहुंच जाया करेगी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, और फिर देन बरेली और फिर लखनऊ पहुंच जाया करेगी 7 घंटे 10 मिनट में, और जब ट्रेन रिटर्न में आया करेगी तब 7 घंटे 15 मिनट में आया करेगी। और जो ही मैंने प्राइस बताया है टिकट का, उसमें जो फूड है वो इंक्लूड रहने वाला है, तो आपको वो जो परेशानी है वो नहीं आएगी। तो आप टाइम है रोजा को स्किप करने का। और रोजा जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है सीतापुर जंक्शन के लिए, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो जो सामने हमें ट्रैक देखने को मिल रहे हैं, ये निकल जाते हैं हमारे सीतापुर के लिए जिसमें मैंने ट्रैवल किया हुआ है। तो अब देखते हैं भाई ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या रहने वाली है।
तो फाइनली कुछ तो काम हुआ है मुरादाबाद डिवीजन में, तो हमें यहाँ पे तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो ट्रेन 109 की रफ्तार से चल रही है जब से रोजा से निकली है। ग्रीन ग्रीन स्पीड तो जो सामने आपको ट्रैक दिख रहे हैं ये आ रहे हैं सीतापुर से। और एक ट्रैक और है जो बालामऊ से निकल जाते हैं कानपुर, जो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे उन्नाव के रास्ते, बिल्कुल इसलिए बालामऊ जंक्शन है। बस हम थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। मोहित भाई मेरे साथ बैठे हैं। मोहित भाई अभी तक कैसा लगा ट्रेन में? वैसे यार सही बताऊं तो ट्रेन में तो सही लगा है, बढ़िया लगा है, लेकिन बस ये है कि बार बार एक ही ट्रेन में सफर करोगे तो रिपीट से लगता है बिल्कुल, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल करेंगे तो एक्साइटेड हो गए। बिल्कुल सही बात। और मैं आपको एक और बड़ी बात बता देता हूँ कि हमें ठंड लग रही है, मतलब मोहित भाई को भी ठंड लग रही है, मुझे भी, क्योंकि कूलिंग इतनी ज्यादा हो रखी है, बहुत बढ़िया एकदम मस्त एसी चल रहा है। और बिल्कुल मेरे सर के ऊपर ही वेंट में दिखाता हूँ, तो ये एसी वेंट है, इनसे भाई बहुत ही बढ़िया कूलिंग आ रही है। और बड़ी बात पता है क्या है, देखो सामने वाला जो गेट है ना वो भी खुला हुआ है, और इधर पीछे वाला जो गेट है ना वो अब बंद हुआ है, वरना वो खुला पड़ा था, मतलब दोनों गेट खुले हुए हैं, उसके बावजूद भी कूलिंग एकदम मस्त हो रही है। तो फाइनली दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली अपना अराइवल हो चुका है, तो 7:49 पर, हाँ अब 7:50 हो चुके हैं, तो 7:50 पर फाइनली अभी हम है लखनऊ चारबाग पर। तो फाइनली वी आर एट लखनऊ चारबाग, और अपनी जो वंदे भारत है वो आप देख सकते हो लग हुई है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली वी आर एट लखनऊ चारबाग, और अपनी वंदे भारत इस ट्रेन के बारे में, तो जब भी आप इस ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो ये दोपहर के 1:45 पर लखनऊ चारबाग पर उतार देगी, और उसके हमें 1 घंटे के बाद में ये यहाँ से निकल जाएगी मेरठ के लिए। तो ओवरऑल जो जर्नी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। अब यहाँ से हमें वापस रिटर्न होना है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट है, तो उसकी जो जर्नी है वो देखता हूँ मैं कैसी शूट होती है, जैसी भी होगी आपको बताता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में नहीं मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।